नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आगरा जनपद में थाना इरादत नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम थपेड़ा में पति पत्नी के बीच एक शादी समारोह में जाने को लेकर हुई कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वारदात की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक इस दंपत्ति की शादी 11 साल पहले हुई थी और उनके 4 बच्चे हैं। इस वारदात के बाद गांव थपेड़ा में मातम पसर गया। आगरा से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। आज दिनांक 21/4/24 को समय करीब 5:30 बजे ग्राम थपेड़ा थाना इरादत नगर क्षेत्र में पति पत्नी का एक विवाद हुआ, जिसमें पिंकी नाम की एक महिला उसके पति धर्म सिंह, जो करीब 11 वर्ष पहले शादी हो चुकी, उनके 4 बच्चे हैं, एक शादी में जाने को लेकर आपस में थोड़ी कहासुनी हुई। पति पत्नी की नाराजगी बढ़ती गई। इसी दौरान पति ने अपनी पत्नी को सर में कुल्हाड़ी से, पास में रखी कुल्हाड़ी से मार दिया, जिससे वो घायल हो गई, जिसको कुछ देर बाद उसके घर वालों ने अस्पताल में इलाज हेतु ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना पर तत्काल पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम हेतु शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। अभियुक्त धर्म सिंह को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए पूछताछ हेतु गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।